आईपीएल शुरू भी नहीं हुई और मुंबई इंडियंस के कप्तान के लिए आ गई बेहद बुरी खबर। जिसने जिताई मुंबई को आईपीएल की ट्रॉफी, अब वो खिलाड़ी इतने मैच के लिए हो गया बाहर। सूर्य के इतने मैचों से बाहर होते ही कप्तान हार्दिक से लेकर पूरी टीम टेंशन में आ गई। 5 बार की विजेता और इस सीजन नए कप्तान के साथ उतरने वाली मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले बड़ा झटका लग चुका है। टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को आईपीएल के शुरुआती मैचों में खेलना बेहद मुश्किल है। इस समय वो बेंगलोर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हैं और अपनी चोट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई थी, इसी कारण वो क्रिकेट से दूर हैं। वो साउथ अफ्रीका दौरे से इसी चोट के कारण बाहर हो गई थी। इसी चोट के चलते उनका आईपीएल के शुरुआती मैचों में खेलना मुश्किल है। मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल में काफी दमदार दिखाई दे रही थी। मुंबई इंडियंस ने मिनी ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर दांव लगाया। इस सीजन मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे। रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांडे को अपने नया कप्तान घोषित किया है। इस सीजन मुंबई की कप्तानी हार्दिक कर रहे हैं। उनकी कप्तानी में टीम अपना पहला मैच 24 मार्च को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। ये वही टीम है जिसकी कप्तानी पांडे ने पिछले 2 सीजन में की थी और एक बार विजेता भी बनवाया था। चोट के कारण सूर्य कुमार यादव इस सीजन के शुरुआती 2 मैचों में बाहर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्य कुमार रिहैब ट्रैक पर हैं और वो जल्दी आईपीएल में वापसी करेंगे। मीडिया के हवाले से बीसीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अभी तक साफ नहीं है कि एनसीए की स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिकल टीम सूर्य कुमार को शुरुआती 2 मैचों में खेलने के लिए क्लियरेंस देगी या नहीं। गुजरात के बाद मुंबई को 27 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दूसरा मुकाबला खेलना है। मुंबई को ये दोनों मैच अपने घर के बाहर खेलने हैं। सूर्य कुमार हालांकि जमकर अपने फिटनेस पर मेहनत कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। वो अपने इंस्टाग्राम पर इसकी फोटोज भी पोस्ट करते रहते हैं, जो बताता है कि वो सही रास्ते पर हैं और रिकवरी कर रहे हैं। सूत्र का यह भी कहना है कि मुंबई पहले मैच में अभी 12 दिनों का समय है और तब तक फिट होना काफी मुश्किल दिख रहा है। सूर्य कुमार T20 में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। इस फॉर्मेट में उनकी तूती बोलती है। उनका ना होना मुंबई के लिए निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान है। सूर्य कुमार यादव मुंबई के सबसे अहम बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके नाम 60 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 4 शतक और 171 के अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ 2141 रन भी हैं। अमेरिका और वेस्टइंडीज में जून में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिताब की संभावना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि सूर्य कुमार यादव कैसा खेल दिखाते हैं। आईपीएल में मुंबई के सफल अभियान के लिए भी सूर्य कुमार यादव काफी अहम है। सूर्य कुमार ने भारत के लिए अपना आखिरी मुकाबला दक्षिण अफ्रीका में खेला था और उन्होंने तब T20 प्रारूप में भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया था। सूर्य सर्जरी के बाद फिलहाल बेंगलोर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि मुंबई के पहले 2 मैचों के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं। 24 मार्च को गुजरात के खिलाफ मैच के बाद 27 तारीख को मुंबई की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेगी। ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाना है। भारत के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए सूर्य कुमार यादव को आखिरी बार दिसंबर 2023 में देखा गया था। इस दौरान वो फील्डिंग करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में चोटिल हो गए थे। उनके पैर में चोट लगी थी जिसके बाद उन्होंने हर्निया की सर्जरी कराई और फिर अब एनसीए में रिहैब से गुजर रहे हैं। अब देखना होगा सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के लिए कब से अपना मुकाबला खेलते हैं। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।